देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस सीजन 17 तेजी से आगे बढ़ रहा है। घर के अंदर अभी एक ही दिन हुआ है और एक ही दिन में घर के अंदर इतनी सारी लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि इस बार तो मामला पूरी तरीके से गड़बड़ ही गड़बड़ नजर आ रहा है। जहां स्टेज पर ईशा मालविया का झगड़ा अभिषेक के साथ हो गया और ये सब बातें सामने आई कि ये दोनों एक्स हैं, एक दूसरे के, एक दूसरे को एक वक्त पर डेट कर चुके हैं, तो वही अब घर के अंदर छिड़ गई है एक बहुत बड़ी कैट फाइट। जी हाँ, जहां अभिषेक का और ईशा का झगड़ा हुआ तो वही अभिषेक का यूके राइटर और अरुण महाशेट्टी के साथ भी लड़ाई हुई थी। इतना ही नहीं, अब जो ईशा मालविया है उनका भी घर में हो गया है किसी के साथ 36 का आंकड़ा, और ये कोई और नहीं बल्कि है सिर्फ और सिर्फ मनारा चोपड़ा। जी हाँ, पेगी जॉब्स यानी कि प्रियंका चोपड़ा के मामा की बेटी, दूर की कजन है। और अब ना जो मनारा है काफी ज्यादा टैंट्रम्स तो थ्रो कर रही है, वही ईशा भी मनारा को बिल्कुल घास नहीं डालती है और दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हुई है। दोनों का कहना है कि एक दूसरे ने एक दूसरे को टॉन्ट कसा है, तानेबाजी की है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में ना एक मन मुटाव हो गया है और लड़ाई झगड़े हो गए हैं। दोनों एक दूसरे को करती नजर आ रही है। जी हाँ, लड़ाई कर रही है, मुंह बनाती नजर आ रही है। टिपिकली लड़कियों वाली जो लड़ाई है ना वो दोनों के बीच हो रही है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार वजह क्या थी, तो दरअसल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पहला दिन था लाइव फीड का, उसमें जो ईशा मालविया है वो अंकिता लोखंडे और विकी जैन के काफी ज्यादा क्लोज नजर आ रही थी, तो ऐसे में मनारा ने टॉन्ट करा कि वो तुम्हारे भैया भाभी हैं। इस तरह से जो बातें करी है ना वो कहीं ना कहीं उसे अच्छी नहीं लगी, तो उसने भी कहा कि यार तू मेरे मैटर में बिल्कुल इंटरफेयर मत कर, तू अपने से मतलब रख, मेरी लाइफ में बिल्कुल मत बोल। ये है और ना मतलब एक दूसरे से मुंह बनाकर आगे बढ़ रही हैं और दूसरे को बिल्कुल दरकिनार करती नजर आ रही हैं, और ऐसे में शुरू हो गई है ईशा और मनारा के बीच में बड़ी कैट फाइट। और फैंस ना काफी ज्यादा शॉक्ड है क्योंकि इन दोनों की लड़ाई का ना कोई भी सिर पैर नजर नहीं आ रहा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।